हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता। डियर फ्रेंड्स, आपने अभी देखा था कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर इसके अंदर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल इंडिकेशनल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए आज से हम स्टार्ट करेंगे इंटरपोलेशन मैथड्स। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल। कोर्स आउटलाइन में हम ओवरऑल 9 लेक्चर डिस्कस करेंगे, जैसे पहला हमारे पास होगा डिफरेंस ऑपरेटर, नेक्स्ट हमारे पास होगा फैक्टर एंड नोटेशन, देन थर्ड हमारे पास होगा मिसिंग टर्म टेक्निक और बाय न्यूटन बायनोमियल मेथड। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, देन इसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, देन इसके बाद हम बात करेंगे गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, एंड देन गॉस बैकवर्ड डिफरेंस सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला एंड द 9th बेसल सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 के बारे में, जो कि हमारा है डिफरेंस ऑपरेटर। तो लेक्चर नंबर 1 डिफरेंस ऑपरेटर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वेबसाइट पर विजिट नहीं किए तो वेबसाइट विजिट कर लीजिए www.sonindgupta.blogspot.in एंड www.sonindgupta.com। इन वेबसाइट पे विजिट करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको RGBV के प्रीवियस सेमेस्टर के पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में आपको ई नोट्स मिलेंगे ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो पहला हमारे पास होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, फिर उसके बाद बात करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में, देन शिफ्टिंग एवरेज सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, देन उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे हम, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम भी देंगे। आइए फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है पहले इसको हम समझ लें। इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, द डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम आर्गुमेंट के नाम से जानते हैं, और जो हमारे पास वेरिएबल y होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं इन जनरल, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसको हम एंट्री के नाम से लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आर्गुमेंट, इट मीन दैट कि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि मैं अगर आपसे कहता हूँ एंट्री, तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि मैं डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आपसे कह रहा हूँ। हियर द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट आर एट इक्वल इंटरवल विथ लेंथ h, इट मे बी अनइक्वल इंटरवल। यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ हो सकती है वो आपकी इक्वल और अनइक्वल दोनों हो सकती है। इन जनरल अगर हमने आप इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू दिया हुआ a, a प्लस एच, a प्लस टू एच अप टू a प्लस एन एच, और f ऑफ x दिया हुआ f ऑफ a, f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस टू एच अप टू f ऑफ a प्लस एन एच। अब देखिए, ये जो हमारे पास एंट्रीज हैं, यानी कि ये जो हमारे पास एंट्रीज हैं, अगर इन एंट्रीज का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसे, फाइनाइट डिफरेंस हम कहते हैं। देन द डिफरेंस ऑफ द एंट्री आर कॉल्ड द फाइनाइट डिफरेंस। पॉइंट क्लियर। एक बात का ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर जो भी हम यहाँ पर डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा मेन पर्पस ये होता है कि डेटा के बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आपको फंक्शन दिया भी जा सकता है और फंक्शन नहीं भी दिया जा सकता है। तो आवर टेबल इज ऑल्सो रिटन एज, हम चाहें तो इस टेबल को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड तरीका हमारे पास होता है एक्स जीरो, एक्स वन का बंदा होता है एक्स जीरो प्लस एच, एक्स टू का बंदा होता है एक्स जीरो प्लस टू एच, और एक्स एन का बंदा होता है एक्स जीरो प्लस एन एच। इसी प्रकार हम यहाँ पर एफ ऑफ ए को, यानी कि अगर एक्स जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो एंट्री निकाली जाएगी वो वाई नॉट कहलाएगी, एक्स वन के कॉरेस्पॉन्डिंग में वाई वन कहलाएगी, एक्स टू के कॉरेस्पॉन्डिंग में वाई टू, और एक्स एन के कॉरेस्पॉन्डिंग में वाई एन कहलाएगी। अब हम ये समझ लेते हैं कितने प्रकार के फाइनाइट डिफरेंस हमारे पास होते हैं। There are two types of finite difference operators, such as number one, equal forward difference operator, यानी कि equal difference operator, and number two, unequal difference operator. अभी हम especially बात करेंगे equal difference operator के बारे में। आइए start करते हैं equal difference operator. अब देखिए कितने प्रकार के हमारे पास operator होते हैं, तो हमने देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं finite difference. Finite difference को हमने दो part में break किया हुआ, equal difference operator और unequal difference operator. इक्वल डिफरेंस ऑपरेटर में हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, शिफ्टिंग, एवरेज और सेंट्रल डिफरेंस।
फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम डेल से डिनोट करते हैं, एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर को हम ई से डिनोट करते हैं, देन एवरेज ऑपरेटर को हम यहाँ पर म्यू से डिनोट करते हैं, और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को हम यहाँ पर डेल से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार अनइक्वल डिफरेंस ऑपरेटर भी हमारे पास होते हैं, जो कि हमारे पास कहलाते हैं लैग्रांजे ऑपरेटर और डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। लैग्रांजे ऑपरेटर को हम यहाँ पर एल से डिनोट करते हैं, जबकि डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को हम यहाँ पर इस नोटेशन से शो करते हैं, जिसको बोलते हैं हम डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, यानी डेल्टा को हम बीच में से ब्रेक करते हैं लाइक दिस, इस प्रकार से। ओके, अभी हम ये जहाँ पर स्पेशली डिस्कस करेंगे वो इक्वल डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में आपको बताएंगे। इक्वल डिफरेंस ऑपरेटर, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन एंड h बीइंग इंटरवल इन द आर्गुमेंट, जो कि हम बात करें इक्वल डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में, तो ऑब्वियसली हमारे जो आर्गुमेंट्स होंगे उनमें जो इंटरवल होगा वो इक्वल इंटरवल चलेगा, और वो हम इक्वल इंटरवल यहाँ पर h एज्यूम करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल यहाँ बना रहा हूँ, आप देखेंगे कि x हमारे पास, क्योंकि हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग x हमारे पास आर्गुमेंट है और y हमारे पास एंट्री कहलाएगी। तो हमने आर्गुमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया a, a प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, अप टू ए प्लस एन एच। इसकी एंट्री को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच, अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, और हम चाहें तो इसकी एंट्री को वाई नॉट, वाई वन, टू से भी लिख सकते हैं। ये हमारा कहलाता है y नोटेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं y नॉट, देन y वन, देन y टू, देन y थ्री एंड y n। तो हमें तो ध्यान रखिएगा कि हम इस नोटेशन का भी यूज कर सकते हैं। आइए, पहला हमारा है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और इसका फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। The first order forward difference operator defined as delta f of x equal to f of x plus h minus f of x। ध्यान दीजिएगा, delta की अगर power 1 है तो इसको हम first order बोल रहे हैं पास है, और यदि f of x के लिए अगर हम इस पर operate कर रहे हैं तो f of x की जो successive value होगी minus of f of x। इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम चाहें तो f of x plus h को हम लिख सकते हैं y1 वन माइनस वाई जीरो, क्योंकि f of x को हम y नॉट से रिप्रेजेंट कर। द सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डिफाइंड एज, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि अब पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। ओके, तो डेल्टा टू एफ ओ फैक्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा डेल्टा एफ ओ फैक्स। ध्यान रखना, हम एक साथ डेल्टा को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, वन बाई वन ही इसको ऑपरेट करेंगे। तो पहले डेल्टा एफ ओ फैक्स, डेल्टा एफ ओ फैक्स मेरे पास कितना है, एफ ओ फैक्स प्लस एच माइनस एफ ओ फैक्स मैंने लिख दिया। अब इस डेल्टा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, दिस इज द डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की सक्सेसिव वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इस प्रकार से इसी प्रकार डेल्टा एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखिए, इन दोनों में अगर इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू आई एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स। यानी कि डेल्टा टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स। इस प्रकार से इसी को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच का मतलब होता है वाई टू, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब होता है वाई वन, और एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है वाई वन। तो ये डेल्टा टू को हम इस प्रकार से नोटेशन में भी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, नंबर वन, डेल्टा सी अगर हम किसी भी कांस्टेंट पे अगर हम डेल्टा ऑपरेट करते हैं तो सी माइनस सी यानी कि जीरो मिलेगा हमें, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स होता है डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा जी ऑफ एक्स। नंबर टू, डेल्टा ए एफ ऑफ एक्स देन प्लस बी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पर ए और बी जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो ए और बी को हम बाहर निकाल देंगे और इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। थर्ड, डेल्टा एन, डेल्टा एन टू डेल्टा एन देन डेल्टा टू द पावर एम एफ ओफ एक्स इक्वल टू होता है डेल्टा एन प्लस एम एफ ओफ एक्स, या डेल्टा एम प्लस एन एफ ओफ एक्स लिखा जा सकता है। डेल्टा एफ ओफ एक्स इंटू जी एक्स पर अगर हमें अप्लाई करना है तो उसको फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ ओफ एक्स प्लस एच इंटू डेल्टा जी ओफ एक्स देन प्लस जी ओफ एक्स डेल्टा एफ ओफ एक्स। आप इसे आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। डेल्टा एफ ओफ एक्स अपॉन जी ओफ एक्स लिखना है,
तो जी ऑफ एक्स डेल्टा एफ ऑफ एक्स देन माइनस एफ ऑफ एक्स डेल्टा जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। आसानी से आप इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट सेवन, अगर डेल्टा एफ वन इंटू एफ टू लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि एफ वन को आप बाहर निकाल दो एफ टू पर ऑपरेट कर दें। तो जब भी अगर मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई पर अगर हमें ऑपरेट करना है तो इस प्रकार से हम ऑपरेट करेंगे। If delta f of x equal to 0, then it does not mean that either delta equal to 0 or f of x equal to 0. देखिए delta एक operator है और इस operator का existence तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पर function f of x काम नहीं करेगा। तो ऐसा मत समझना कि ये दो number हमारे पास हैं जो आपस में multiply हो रहे हैं और अगर वो 0 के equal है तो इसका मतलब ये होगा कि delta equal to 0 या f of x equal to 0। तो ये गलती कभी भी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में जिसको हम डिनोट करते हैं डेल से। द फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डिफाइंड एज, हम देखिएगा एक चीज और यहाँ पे बता दूँ, इस डेल ऑपरेटर को हम चाहें तो कभी कभी यहाँ पर नेवल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन ए बी एल ई, इसको कभी कभी नेवल भी कहा जाता है पास है। तो हम ऐसा ही कह सकते हैं कि नेवल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि जिस फंक्शन पे हमें नेवल ऑपरेट करना है उस फंक्शन को पहले लिखिए देन माइनस दे उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू। ठीक है, देन इसको हम लिख सकते हैं वाई नॉट माइनस वाई ऑफ माइनस वन। सिमिलरली अगर हम सेकेंड ऑर्डर फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्डर को हम और तरीके से समझें तो नेवल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ, नेवल एफ ऑफ एक्स प्लस एच की प्रीसीडिंग वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ एक्स। तो क्या लिख दिया हमने? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। द सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज नेवल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू अगेन नेवल एंड देन नेवल एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। अगेन हम नेवल एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच पे ऑपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इस प्रकार से नेवल के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फिर से नेवल एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच को हमें लिखना है तो फिर से लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स इस प्रकार से, और नेवल एफ ऑफ एक्स प्लस एच को लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, दोनों हमारे पास ऐड हो गए तो आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स। तो फाइनली नेवल स्क्वायर यानी कि नेवल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच इक्वल टू हम लिख सकते हैं नेवल एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस ट्वाइस एफ ऑफ एक्स प्लस एच देन प्लस एफ ऑफ एक्स, और इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज हमारे साथ क्या होंगी। नंबर वन, नेवल सी इक्वल टू होता है सी माइनस ऑफ सी, वेयर सी इज कांस्टेंट। नेवल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं नेवल एफ ऑफ एक्स प्लस नेवल जी ऑफ एक्स। नंबर थ्री, नेवल ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए नेवल जी एफ ऑफ एक्स प्लस बी नेवल जी ऑफ एक्स, यहाँ पर ए और बी जो है कॉन्स्टेंट है। नंबर फोर, नेवल टू द पावर एन देन अगेन दिस इज द नेवल टू द पावर m इक्वल टू नेवल टू द पावर n प्लस m इक्वल टू नेवल टू द पावर m प्लस n एफ ऑफ एक्स। आइए बात करें शिफ्टिंग ऑपरेटर की, बात करते हैं तो शिफ्टिंग ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल e से, कैपिटल e से। द शिफ्टिंग ऑपरेटर e ऑन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, अब ध्यान दीजिएगा अगर e की पावर वन है, क्या है पावर वन है, तो अगर वो एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट कर रहा है तो यहाँ पर x में क्या होगा? h ऐड हो जाएगा। जितनी पावर होगी उतना आर्गुमेंट के अंदर उतना टर्म h के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे कि e की पावर माइनस वन है तो हमने यहाँ पे करा माइनस वन एच को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इन जनरल e टू दी पावर n एफ ऑफ एक्स अगर कहीं पे लिखाता है तो उसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, और अगर e टू दी पावर माइनस n एफ ऑफ एक्स है तो उसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच। नोट, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ध्यान दीजिएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच एज इट इज है, पावर यहाँ पे कितनी आई है टू, तो यहाँ पर हमने कितना ऐड कर लिया टू एच, तो फाइनली कितना मिल गया एक्स प्लस थ्री एच। इसी प्रकार अगर ई की पावर माइनस थ्री एक्स प्लस एच है तो एक्स प्लस एच एज इट इज, देन पावर माइनस थ्री है तो माइनस थ्री एच देन एक्स माइनस टू एच, इसको हम लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ई ऑपरेटर, नंबर वन ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ई एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स देन ई एफ वन एक्स प्लस ई एफ टू एक्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये
यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर टू, ई सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी ई एफ ऑफ एक्स, यानी कॉन्स्टेंट टर्म अगर किसी फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगी। नंबर फोर, ई की पावर एन ई की पावर एम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एन प्लस एन, यानी कि पावर ऐड हो जाएगी और ई की पावर एम प्लस एन एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। नंबर फोर, ई एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वन एक्स इंटू ई एफ टू एक्स। तो प्रॉपर्टी नंबर फोर का स्पेशली ध्यान रखना कि इसमें किसी प्रकार की गलती ना हो जाए। ई ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स, एंड ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसका भी ध्यान रखना क्योंकि इसमें भी कई बार हमसे गलती हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पास है रिलेशन बिटवीन डेल्टा नेवल और ई। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड बैकवर्ड और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से। और हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच को लिख सकते हैं ई एफ ऑफ एक्स लाइक दिस। दोनों से कॉमन कितना निकल रहा है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कॉमन निकालेंगे तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा ई माइनस वन, राइट। अब एफ ऑफ एक्स से अगर मैं एफ ऑफ एक्स कैंसिल कर देता हूँ तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ई माइनस वन या ई इक्वल टू डेल्टा प्लस वन। इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ये बार बार हमारे यूज होते रहेंगे, ठीक है। देन सेकेंड देखिए, हम सिंस नेवल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच, अब एफ ऑफ एक्स माइनस एच को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस वन एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से। दोनों में कॉमन निकल रहा है एफ ऑफ एक्स, तो हमें मिलेगा वन माइनस ई इनवर्स लाइक दिस। हम एफ ऑफ एक्स को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। देन इसका मतलब ये होगा कि नेवल इक्वल टू होता है वन माइनस ई इनवर्स या ई इनवर्स इक्वल टू वन माइनस नेवल, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं जिसकी जब हमें रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड हमारे पास है कि जैसे कि हम जानते हैं कि नेवल इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स हमारे पास आया है, तो ई इनवर्स को लिख सकते हैं वन अपॉन ई, ई का एलसीएम निकालेंगे तो ई माइनस वन अपॉन ई मिलेगा, और ई माइनस वन को हम लिख सकते हैं डेल्टा, तो ये आपको मिलेगा डेल्टा अपॉन ई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नेवल इक्वल टू होता है नेवल अपॉन ई, या इसको बोल सकते हैं कि नेवल इंटू ई इक्वल टू डेल्टा। ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर हम फंक्शन को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर इक्विवेलेंट साइन का यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय देख लीजिए कि आपका फंक्शन ऑपरेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फोर्थ हमारा है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल से। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल इज डिफाइंड एज डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को डिफाइन करने का लॉजिक होता है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा नेवल ई एंड डेल। तो फर्स्ट, जैसे कि अभी हमने देखा कि डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू को लिख सकता हूँ ई की पावर हाफ एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से। और इसी प्रकार एक्स माइनस एच बाई टू को लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स। दोनों से एफ ऑफ एक्स कॉमन निकल रहा है तो मैंने एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाला, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल किया तो मेरे पास डेल इक्वल टू आ गया ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया डेल और ई के बीच में। अब हम नेक्स्ट रिलेशन निकालेंगे डेल और ई और डेल्टा के बीच में। तो अब हमने क्या किया, ई की पावर हाफ को हमने कॉमन निकाल लिया तो आपका अंदर बचेगा वन माइनस ई इनवर्स, और वन माइनस ई इनवर्स जो होता है जैसे कि हम जानते हैं कि वो हमारा होता है वन माइनस ई इनवर्स इक्वल टू नेवल। तो हम इसको ले सकते हैं डेल इज इक्विवेलेंट ई की पावर हाफ इंटू नेवल। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया डेल ई और नेवल के बीच में। अब हम रिलेशन निकालेंगे डेल ई और डेल्टा के बीच में। तो हम देखिएगा, अब इस वाले टर्म से हम ई की पावर हाफ की जगह ई की पावर माइनस हाफ कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमने ई की पावर माइनस हाफ कॉमन निकाला तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो ई बचेगा और यहाँ पर हमारे पास वन हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ई माइनस वन जो होता है वो डेल्टा के बराबर होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल इक्वल टू डेल इक्विवेलेंट ई की पावर माइनस हाफ इंटू डेल्टा। तो ये आपका रिलेशन डेल ई और डेल्टा के बीच में, यानी कि सेंट्रल डिफरेंस शिफ्टिंग और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में हमने रिलेशन निकाल लिया।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर, यानी कि जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास होगा द शिफ्टिंग ऑपरेटर म्यू ऑन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, ध्यान दीजिएगा एवरेज ऑपरेटर को हम यहाँ से म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाय। तो ये हमारे पास म्यू का फॉर्मूला हो गया, यानी कि एवरेज ऑपरेटर का फॉर्मूला हमारे पास हो गया कि एवरेज ऑपरेटर हम किस प्रकार से डिफाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन म्यू एंड ई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि म्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। दो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू ले सकता हूँ ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स। दोनों तरफ से मैंने एफ ऑफ एक्स को हटाया तो म्यू इक्वलन टू 1/2 ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ। दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दी। अब मैं नेक्स्ट म्यू निकालने आ रहा हूँ, म्यू और डेल के बीच में रिलेशन निकालने आ रहा हूँ, तो मैं इसी इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करूँगा। तो सिंस स्क्वायरिंग करी हमने दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ई प्लस ई की पावर माइनस 1 प्लस 2 इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस 2 और माइनस 2 कर देते हैं जिससे कि हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सके। तो हमने माइनस 2 करा प्लस पर प्लस 2 कर दिया तो इसके वैल्यू प्लस 2 के बराबर ही कहलाएगी। अब ई प्लस ई की पावर माइनस 1 माइनस 2 को हम ले सकते हैं ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर इस प्रकार से। और ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ जो होता है वो डेल के बराबर कहलाता है जैसे कि हम जानते हैं। तो ये हमारा लिखा है 1/4 डेल स्क्वायर प्लस 4। ओके, नाउ दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द म्यू डेल के बीच में, यानी कि सेंट्रल डिफरेंस और एवरेज ऑपरेटर के बीच में। आइए हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है डी ऑपरेटर। तो जैसे कि हम जानते हैं टेलर सीरीज के बारे में, तो टेलर सीरीज हमारे पास क्या होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एच अपॉन फैक्टर 1 एफ डैश एक्स एच स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू अपॉन फैक्टर 3 एफ ट्रिपल डैश एफ एक्स एक्स इक्वल टू दिस मच, यानी कि प्लस इक्वल टू। अब देखिए जहाँ पर हमारे पास एफ डैश देखा उसको ले सकते हैं डी एफ ऑफ एक्स, इसको ले सकते हैं डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और इसको ले सकते हैं डी क्यू एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब डी और एच को हम एक साथ लिखेंगे, एच स्क्वायर डी स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, एच क्यू और डी क्यू को हम एक साथ लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया। आपको यहाँ पर ध्यान से दिख लेगा, थोड़ी दिख लेगा, ये मान लेता हूँ एच डी हमारे पास जो है वो आपका एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स क्यू हो जाएगा। तो हम जानते हैं ई टू दी पावर एक्स की सीरीज होती है 1 + x / 1 x² / 2 x³/3 यानी कि इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं ई की पावर एच डी इंटू एफ ऑफ एक्स। इस प्रकार से एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल हुआ तो आपको मिलेगा ई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एच डी। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया हमारे पास ई और एच डी के बीच में, और साथ में हमने यहाँ पर डी ऑपरेटर को भी डिफाइन कर दिया। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा नेबल ई और डी ऑपरेटर के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ई इक्वल टू हमारे पास होता है ई की पावर एच डी। अब हम क्या करते हैं ई को हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा ई को हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा प्लस 1, तो हमने डेल्टा प्लस 1 लिख दिया। दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया तो लॉग 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू एच डी मिलेगा, क्योंकि ई हमारे लॉग ई जो होता है वो 1 हो जाता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 के दिया अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या करा ई की पावर को हमने माइनस कर लिया दोनों तरफ, ई की पावर माइनस 1 इक्वल टू ई की पावर माइनस एच डी यानी इक्वलेंट। ई इनवर्स इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा इक्वल नेवल इक्वल टू होता है 1 - ई इनवर्स, तो ई इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1+ यानी कि 1 - नेवल। तो 1 - नेवल दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया तो लॉग 1 - नेवल इक्वल टू हो गया ए माइनस एच डी, राइट। अब इक्वेशन नंबर ये आपकी 3 बन गई। इक्वेशन नंबर 3 और 2 से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं क्या कि एच डी इज इक्वल टू लॉग 1+ डेल्टा और इक्वल टू माइनस लॉग 1 - नेवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये रिलेशन एग्जाम में आपको ड्राइव करने को आता है। ओके, तो आप इसे आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। नाउ यू आर रेडी फॉर फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर प्रॉब्लम्स। अब हम आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएंगे कैसे हम फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इवैल्यूएट द फॉलोइंग टेकिंग यूनिटी एज इंटरवल, यानी कि हम यहाँ पर एच जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको 1 के इक्वल दे रखा है।
तो फर्स्ट हमारे पास है डेल्टा टेन ऑफ ए एक्स। अब डेल्टा टेन ऑफ ए एक्स को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम जैसे कि हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं टेन ऑफ ए एक्स प्लस वन माइनस टेन ऑफ ए एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में एच की वैल्यू वन दे रखी है। टेन ऑफ ए एक्स प्लस वन को हम यहाँ पर साइन ऑफ कॉस में ओपन कर लेते हैं, इसी प्रकार टेन ऑफ ए एक्स को भी हम ओपन कर लेते हैं। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स एन माइनस साइन ऑफ ए एक्स इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लग रहा है, जैसे कि हम जानते हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ ले सकते हैं साइन ए एक्स प्लस ए माइनस ए एक्स, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हुआ तो आपको मिलेगा साइन ए अपॉन ऑफ दिस मच। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखें, डेल्टा टू टू द पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स प्लस वन। तो डेल्टा टू टू द पावर एक्स प्लस वन हमारे पास है, तो अब अगर हमें डेल्टा ऑपरेट करना चाहते हैं सेम इसी फॉर्मूले को हम फिर से यूज़ कर रहे हैं, तो आपका लिखा है टू की पावर एक्स प्लस वन देन एक्स प्लस वन माइनस ऑफ दिस मच। अब देखिए ये आपका बन गया एक्स प्लस टू, फैक्टोरियल से अगर एक्स प्लस टू बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वन, ऊपर हमारे पास टू की पावर एक्स प्लस वन को लिख सकते हैं टू की पावर एक्स इंटू टू। इस प्रकार से सेकेंड टर्म मेरे पास एज वेल दिख रहेगी। अब देखिए दोनों में हमारा कॉमन क्या चल रहा है, तो दोनों में मेरे पास सी ए टर्म कॉमन आ रही है, तो इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो कॉमन निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा टू की पावर एक्स अपॉन फैक्टोर एक्स प्लस वन, अंदर मिलेगा टू अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन। ऐसे हम निकालेंगे टू से टू कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा मेरे पास एक्स, डिनोमिनेटर में बचेगा मेरे पास एक्स, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन को आगे ले सकते हैं फैक्टोरियल एक्स प्लस टू, तो आपका फाइनल आंसर रहेगा माइनस एक्स इंटू टू टू द पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स प्लस टू। थर्ड क्वेश्चन देखें इसको, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ऑफ ई एक्स स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल पर हम दो ऑपरेटर एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, तो पहले हमने क्या करा डेल्टा को हम लिख दिया ई माइनस वन, ई माइनस वन के होल स्क्वायर को हमने ओपन करा तो ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस वन मिलेगा, देन ई को हमने सब टर्म के साथ सेपरेट करेंगे तो ई स्क्वायर के साथ करेंगे तो ई मिलेगा, टू ई के साथ करेंगे तो ओनली टू मिलेगा और वन के साथ करेंगे तो ई इनवर्स मिलेगा लाइक दिस। एक्स स्क्वायर का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ई एफ ओ एक्स इक्वल टू होगा एफ ओ एक्स प्लस वन, क्यों, क्योंकि आपको इंटरवल एच दे रखा है, तो ई एक्स स्क्वायर का मतलब मेरे पास होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर एज वेल लिखा जाएगा, और ई की पावर माइनस वन एक्स स्क्वायर का मतलब होगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इन सब सबको ओपन कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, देन आपका आंसर आएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से। ओके, तो एक्स स्क्वायर से आपका टू एक्स स्क्वायर भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो आपका आंसर मिलेगा टू। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है इस लेक्चर से रिलेटिव, आप मुझसे बेफिक्र होकर लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर अपनी क्वेरी को आप रख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको ऑलरेडी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर टू है, प्रूव दैट ई टू द पावर एक्स इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई, ई की पावर एक्स ई टू द पावर एक्स डेल्टा स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। तो एल एच एस हम यहाँ पर लेके चलते हैं, आप यहाँ से देखेंगे, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि हमने डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ई से ई कैंसिल कर दिया, ई टू द पावर एक्स से ई टू द पावर एक्स कैंसिल गया और आपको ई टू द पावर एक्स मिल गया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। कभी भी ऑपरेटर ऑपरेटर से कैंसिल नहीं होता है, वो कैंसिल तभी होगा जब हमारा ऑपरेटर फंक्शन पर ऑपरेट हो चुका होगा। आइए समझते हैं कैसे इसे ऑपरेट करना है। तो वन अपॉन ई को हमने बाहर रखा, डेल्टा स्क्वायर टू द पावर एक्स रखा और देन हमारे पास सेकेंड टर्म ये, इसको हमने क्वेश्चन नंबर वन बोल दिया। अब डेल्टा स्क्वायर टू द पावर एक्स को हम यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, तो डेल्टा स्क्वायर टू द पावर एक्स मतलब डेल्टा एंड ब्रैकेट डेल्टा टू द पावर एक्स। अब डेल्टा को हम टू द पावर एक्स पर ऑपरेट करें तो आपको हम जानते हैं कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये आपको मिलेगा ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर एक्स। डेल्टा के अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ई टू द पावर एक्स हमने कॉमन निकाल तो ई टू द पावर एच माइनस वन क्या है कॉन्स्टेंट है, उसको हमने कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिया और फिर से हमने
डेल्टा को ऑपरेट कर दिया ए टू दी पावर एक्स पर, तो आपको मिलेगा ए टू दी पावर एच माइनस वन अगेन ई टू दी पावर एक्स प्लस एच माइनस ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स को कॉमन निकालेंगे देन ई टू दी पावर एच माइनस वन ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एच माइनस वन, ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आपको मिलेगा ए टू दी पावर एक्स देन इन ब्रैकेट ई टू दी पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर। ई टू दी पावर एक्स का सिंपल समीनिंग होता है ई टू दी पावर एक्स प्लस एच। ओके, अब इन सभी को हम क्वेश्चन नंबर वन में रख देते हैं, तो वन अपॉन ई डेल्टा स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ गई देन ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू मेरे पास है ई टू दी पावर एक्स प्लस एच एंड दिस मच। अब देखिए अभी भी मैं इस टर्म को इससे कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, तो क्या करूँगा मैं पहले ई टू दी पावर एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर को बाहर निकालूंगा इस प्रकार से, ई की इस कैपिटल ई को मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा। अब देखिए ये टर्म जो है इससे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स भी इससे ई टू दी पावर एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब ई की पावर माइनस वन को हम ई टू दी पावर एक्स पर ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा ई टू दी पावर एक्स माइनस एच इस प्रकार से देन ई टू दी पावर एच एज इट इज है। अब ई टू दी पावर एच से ई टू दी पावर माइनस एच कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा ई टू दी पावर एक्स। तो इस प्रकार से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो प्रॉब्लम नंबर थर्ड हमारे पास है प्रूफ दैट डेल्टा लॉग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग वन प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स अपॉन ऑफ एक्स। एलएचएस हमने लिया डेल्टा लॉग एफ ऑफ एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स पर अगर हम ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ लॉग एफ ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यानी कि लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स प्लस एच को लिख सकता हूँ मैं ई एफ ऑफ एक्स और ई का डेल्टा के साथ जो रिलेशन होता है ई का डेल्टा के साथ जो रिलेशन होता है होता है डी इक्वल टू डेल्टा प्लस वन, तो हमने ई इक्वल टू डेल्टा प्लस वन यहाँ पर इस रिलेशन से लिख सकते हैं। तो डेल्टा प्लस वन अब एफ ऑफ एक्स के अंदर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, अब हम एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स के साथ लेंगे तो वन मिलेगा और इस एफ ऑफ एक्स के साथ लेंगे तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा इस एफ ऑफ एक्स को मैं इस एफ ऑफ एक्स से कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि न्यूमरेटर में डेल्टा के साथ एफ ऑफ एक्स है जबकि डिनोमेटर में डेल्टा के साथ एफ ऑफ एक्स नहीं। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट डेल्टा टू द पावर आर वाई के इक्वल टू नेवल टू द पावर आर वाई के प्लस आर होता है। इसको हम आर एच एस लेके चल रहे हैं नेवल टू द पावर आर वाई के प्लस आर। ओके, तो नेवल को हम लिख सकते हैं वन माइनस ई इनवर्स, तो वन माइनस ई इनवर्स लिखा हमने यहाँ पर, ई इनवर्स को लिख सकते हैं वन अपॉन ई लिखा एलसीएम निकाला तो ई माइनस वन अपॉन ई मिलेगा। ई माइनस वन को लिख सकता हूँ मैं डेल्टा अपॉन ई हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार से। अब हम ई को अलग से शिफ्ट कर देंगे तो ई की पावर माइनस आर वाई के प्लस आर, और हम जानते हैं कि ई की पावर माइनस एन को अगर हम वाई एक्स पर ऑपरेट करते हैं तो हमें मिलता है ई टू दी पावर माइनस एन वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स माइनस एन। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ई की पावर माइनस आर को वाई के प्लस आर पर ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा के प्लस आर माइनस आर, इस आर से हमारा आर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा डेल्टा टू दी पावर आर वाई के और यही हमारा एल एच एस है। राइट, लास्ट प्रॉब्लम देखें हम, प्रॉब्लम नंबर फाइव हमारा है प्रूव दैट द इंटरवल ऑफ डिफरेंस बीइंग यूनिटी डेल्टा स्क्वायर ए टू दी पावर टू एक्स ए टू दी पावर फोर एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए टू दी पावर टू एक्स ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ए टू दी पावर फोर एक्स। आइए एल एच एस इसका लेके चलते हैं, तो वन बाय वन इसको हम ऑपरेट करेंगे तो पहले हम ए स्क्वायर माइनस वन के होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं और एक डेल्टा को हम ऑपरेट करने के लिए आगे बढ़ा देते हैं। राइट, अब डेल्टा को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस प्रकार से, तो हमें क्या मिलेगा ए टू दी पावर टू एक्स प्लस टू माइनस ए टू दी पावर टू एक्स देन ए टू दी पावर फोर एक्स पे करेंगे तो ए टू दी पावर फोर एक्स प्लस फोर माइनस ए टू दी पावर फोर एक्स। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकलना है मेरे पास ए टू दी पावर टू एक्स, वो हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस वन। इसी प्रकार यहाँ से ए टू दी पावर फोर एक्स कॉमन निकलेगा तो ए टू दी पावर फोर एक्स इन ब्रैकेट ए टू दी पावर फोर माइनस वन। अब ए टू दी पावर फोर माइनस वन को लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वन। अब ए स्क्वायर माइनस वन को हम कॉमन निकालेंगे और एक ए स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा ए टू दी पावर टू एक्स और ए टू दी पावर फोर एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस वन। अगेन डेल्टा को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया देन हमारे पास डेल्टा ए टू दी पावर टू एक्स को अगेन लिख सकते हैं ए टू दी पावर टू एक्स प्लस टू माइनस ए टू दी पावर टू एक्स
बट ए टू दी पावर फोर एक्स को अगर ले सकते हैं ए टू दी पावर फोर एक्स प्लस फोर माइनस ए टू दी पावर फोर एक्स। अगेन यहाँ से हमारा ए स्क्वायर ए टू दी पावर टू एक्स कॉमन निकलेगा और यहाँ से ए टू दी पावर फोर एक्स कॉमन निकलेगा, तो हमने कॉमन निकाला। अगर आप फिर से ए टू दी पावर फोर माइनस वन को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर प्लस वन, तो फिर से ए स्क्वायर माइनस वन देन ए स्क्वायर माइनस वन कॉमन निकलेगा और इसको ये कैंसिल कर देगा, तो आपको मिलेगा ए टू दी पावर टू एक्स देन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ए टू दी पावर फोर एक्स। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, तो इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा। कुल मिला के मैंने यहाँ पर फोर प्रॉब्लम आपको दे रखे हैं और इसमें कुछ मैंने सब डिवीजन भी कर रखे हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकें। आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की बुक परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि www.dhanpatrayabooks.com से मिलेगी। और इसके अलावा आप मुझे अगर से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका नाम है मैथ्स फॉर यू। इसकी इनविटेशन लिंक आपको ऑलरेडी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, फेसबुक पेज मैथ्स फॉर यू और आरजीबी पेपर पर, और साथ में आप ब्लॉगर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनी गुप्ता, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।